आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जी एंड यहां पर देखो बच्चों, ये कैपिटल जी है और ये स्मॉल जी है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता, होता, होता है और जी क्या होता है ग्रेविटी एसोलेशन होता है सो लेटस्ट डिस्कस वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दैन नाउ यू कैन सी ओवर हियर द इट्स वैल्यू इज सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर सो बच्चों दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी ओके नो यू नो दैट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी हाउ मच 9.8 पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू बच्चों हम आप लोग से डिस्कस किया यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ना तो आप इसको अप्रोक्सीमेट टेन भी लेके चलते हो बट एक्चुअल वैल्यू क्या है नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो दिस 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 डिफरेंस इज इन मैग्नीट्यूड

टाइप ऑफ एसिलेशन हमने पहले ही बताया है, कि क्या है? Of of आपके साथ डिस्कस करते समय बताए थे कि बिकॉजिटी इज अ वैक्टर क्वान्टिटी दैट वेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो वैक्टर क्वान्टिटी सो हियर यू कैन से दैट स्मॉल जी इज अ ऑल्सो क्टर क्वांटिटी, गॉट इट बच्चों नाउ वी है मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू इज एवरीवेयर सेम चाहे आप अर्थ सर्फेस पे रख लो या एच हाइट ऑफ अर्थ सर्फेस पर लेके चले जाओ या किसी प्लेनेट पर लेके चले जाओ एवरीवेयर The value of g is constant. That's why we are saying here, g is universal constant. Okay? Got it, bachcho Now, now you can see here its value varies at a various places. Okay? बच्चों हमने आपसे डिस्कस किया था डी फैक्टर्स अफेक्टिंग डी वैल्यू ऑफ़ g. So g depends on so many factor like distance. यदि आप बात करें अर्थ सरफेस की बात करें आपको बात किए थे एक पॉलर और इक्वेटर के बारे में कि द वैल्यू ऑफ जी एट पॉल इज हायर देन वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर और मैंने बच्चों आपसे डिस्कस भी किया था व्हाई इट्स हैपनिंग बिकॉज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स एंड सेंटर इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड पोल और हमने आपको बताया था कि जब जी का डेरिवेशन थे तो स्मॉल जी क्या था बच्चों वह इनवर्सली था, था स्क्वायर का सो एज द द डिस्टेंस विल इंक्रीज वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज दैट्स डीज बच्चों यहां पर क्या था कि जी का वैल्यू क्या होता है वेरी करता है प्लेस टू प्लेस यदि आप मून पे जाते हो तो आपको पता है कि इसका कितना होता है यदि जी अर्थ सरफेस पे लेटे सपोज जी है तो वह जी बाय सिक्स हो जाता है कॉडेड बच्चों नौ no. इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्र बच्चों इसके यूनिट के बारे में हम डिटेल डिस्कशन किए किए थे कि कि न्यूटन स्क्वायर स्क्वायर पर कैसे होता है बिकॉज यू नो ना इज इक्वल टू जी कैपिटल एम एम स्मॉल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तो बच्चों हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं तो यहां से आप देख सकते हो इसको इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूटन ये आर स्क्वायर है बच्चों तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये मास के जी इंटू के जी के जी स्क्वायर तो यह डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्तर सो बच्चों आई हैव डिस्कस विद यू दिस इज अ टाइप ऑफ एसोलेशन दैट इज नो डाउट इट्स एसोलेशन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ वी आर द ग्रेविटेशनल एसलेसन ठीक है और एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओके बट एसोलेन ही तो है तो हमने मोशन चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किए हैं क्या होता है इट्स अ चेंज ऑफ लॉस्ट रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहां पर हमने देखा था यू डिडेड बाई टी और बच्चों आप जानते हो कि यह मीटर बाय सेकेंड में इसको मेजर करते हैं तो यहां से मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड यहां लिखोगे तो बच्चों ये क्या बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गॉट दैट्स द इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो दिस दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी होप इट इज क्लियर टू एवरी वन सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ वी हैव अ क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉट बच्चो नाउ यू कैन सी हर 150 न्यूटन और यहां पर 25 न्यूटन व्हाट इज आस्किंग बच्चों आप क्वेश्चंस को पढ़ो द वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ इज 150 न्यूटन एंड ऑन अ सर्टेन प्लेनेट इज 25 न्यूटन ओके नाउ हियर टेक द वैल्यू ऑफ इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ अर्थ फाइंड द मास ऑफ मैन ऑन अर्थ एंड प्लेनेट Tell me one thing, बच्चों आप इस क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए इसका दे सकते हो बच्चों बच्चों हम और ये दो चीज डिफरेंस है आप ऐसे नहीं कह सकते मास और वेट दोनों चीज सेम है ठीक है तो यदि किसी बॉडी के पास एम मास है और यदि अर्थ उसको जी आप लोग जानते स्मॉल जी से क्या करता है वो नीचे की ओर उसको पुल करते हैं तो आप जानते हैं कि उसके कारण एक बॉडी में वेट जनरेट होता है दैट इज m जी तो बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बट यहां पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या दिया हुआ है कि अपने पास एक अर्थ सरफेस पे किसी भी मैन का वेट है 150 न्यूटन गॉट इट एंड किसी भी प्लेनेट पे 25 न्यूटन तो वो हमसे पूछ रहा है कि टेल मी द मास टेल मी द फाइंड द मास ऑफ मैन ऑन अर्थ एज वेल एज प्लेनेट सो यू नो दैट कि हम क्या लिख सकते हैं गिवहेन हियर गिवहेन क्या है बच्चों वेट पता है अर्थ सरफेस पे क्या चीज है वेट पता है हियर वेट है कितना है बच्चों 150 फिफ्टी न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस ऑन अर्थ सरफेस ऑन अर्थ सरफेस क्लियर है बच्चों तो हमें यह कैलकुलेट करना है कि आप बताओ मास उस आदमी का अर्थ पे और प्लेनेट पे टेल मी वन थिंग बच्चों मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है क्या नहीं ना तो आप ओवरली इसका आंसर कर सकते हैं कि सर जो भी मास होगा अर्थ पे वही मेन का मास होगा किस पे भी किसी अदर प्लेनेट पे भी तो आपको जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट द मास ऑन ऑन ऑफ दैट मैन सो यू कैन से द मास विल रिमेन सेम ऑन अदर प्लेनेट ऑल्सो ओके सो जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट द मास सो यू कैन राइट हियर वेट इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है एम जी में डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे एम जी इज इक्वल टू हाउ मच वन फिफ्टी क्लियर है बच्चों सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट स्मॉल जी इज इक्वल टू वन फिफ्टी डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में मेंशन है कि टेन लेना है सो फ्रॉम हियर यू विल गेट फिफ्टीन के जी सो दिस इज द मास ऑफ मैन ऑन अर्थ सरफेस गॉट इट बच्चों सो बच्चों बताओ यदि ये अर्थ सरफेस पे मैन का मास है तो टेल मी द मास ऑफ दैट मैन ऑन प्लैनेट तो बच्चों आपके साथ हमने डिस्कस किया कि मास चेंज नहीं होता डेफिनेटली मास विल चेंज ओके प्लेस चेंज करेंगे तो इससे मास नहीं होता अब वेलोसिटी के साथ कैसे चेंज होता है अभी हम डिस्कशन नहीं करते बच्चों ये हायर क्लास के लिए मास विल चेंज विद स्पीड बिकॉज यू नो द m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है आप ये हायर क्लास में पढ़ोगे लेकिन नाउ फ्रॉम हियर यू कैन से दैट यस मास ऑफ दैट मैन ऑन द प्लेनेट इज हाउ मच फिफ्टीन के जी सो ऑन प्लेनेट ऑन प्लेनेट प्लेनेट पर भी मास कितना होगा यदि प्लेनेट पे पूछ रहा है ऑन प्लेनेट क्या होगा मास अभी भी उस पर्सन का कितना होगा बच्चों फिफ्टीन के जी ही होगा यह क्लियर है बच्चों नाउ यू कैन सी ओ अयर सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चों फाइंड द द फाइंड देश ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं ग्रेविटी पूछ रहा है प्लेनेट पे ओके सो ग्रेविटी में चेंज ठीक है अर्थ सरफेस पे कुछ और ग्रेविटी हो सकता है प्लेनेट पे कुछ और हो सकता है सो यू नाउ यू नीड टू कंसिडर द एमजी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव न्यूटन बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द प्लेनेट सो जस्ट नाउ यू नीड टू कंसिडर द्लैनेट सो दैट यू विल गेट करेक्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इट बच्चों सो सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या है अपने पास वेट जो प्रोवाइडेड है किस पे किस पे प्रोवाइडेड है बच्चों प्लेनेट पे कितना है ट्वेंटी फाइव न्यूटन ओके okay? तो बच्चों फ्रॉम हियर यदि हम एम जी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव लिखे ओके नाउ यू नो दैट बिकॉज यू नो ना मास इज एवरीवेयर क्या है बच्चों सेम है ओके सो हियर ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय फिफ्टीन क्योंकि मास हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों Got it? So 25 by 15, so आप यहां से फिफ्टीन फाइव से कैंसिल कर सकते हैं क्या हो जाएगा दिस विल बिकम फाइव बाई थ्री दैट विल बी बिकम हाउ मच वन इसको करेंगे बच्चों सो यू कैन राइट हियर सिक्स और यू कैन राइट सेवन दिस इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वॉडेड बच्चो सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द प्लेनेट ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों होप ये सबको क्लियर होगा ठीक है बहुत ही सिंपल था एक ही यहां एक कंसेप्ट की बात हो रही थी मास का ताकि आपसे वो चाह रहे थे कि क्वेश्चन में आप मिस्टेक करो आप क्या करो एम जी इक्वल टू वन फिफ्टी अर्थ सरफेस पे पुट करो और एम जी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव कहां पर पुट कर लो आप कहां पे? प्लेनेट पे और वहां पर भी आप टेन वैल्यू लेकर आप बता दो क्या चीज ट्वेंटी फाइव टेन यानी कि आप कह सकते हैं टू पॉइंट फाइव के जी बच्चों ऐसा नहीं होता है मास एवरीवेयर सेम होता है तो अब जस्ट अर्थ सरफेस पे कैलकुलेट कर लो और बता दो यदि वही पर्सन है तो एवरीवेयर मास इज सेम ठीक है उन्हीं मास का हेल्प लेकर के फिर आप स्मॉल जी का वैल्यू निकालो बिकॉज यू नो ना कि वैल्यू ऑफ जी मे चेंज एज यू कैन चेंज योर प्लेस गॉट एट नाउ यू कैन सी अवर यार नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों आप अपने डेली लाइफ में एक बहुत ही बार ऐसा करते हैं किसी थ्रेड में आप कोई स्टोन को, को बांध देते हैं और आप उसको अपने सर के ऊपर क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं आप बच्चों देखते होंगे यदि सडन सा थ्रेड टूट जाए ब्रेक हो जाए कहीं से तो क्या होता है सडन सा एक टेंजेंशियल एसलेशन में वो स्टोन क्या होता है बाहर थ्रू आउट हो जाता है और जब तक वह बॉल उस स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है बच्चों तब तक आप अपने जो है अराउंड क्या करते हैं उसको रिवॉल्व करवाते रहते हैं उस स्टोन को इसका मतलब है बच्चों यदि आप रिवॉल्व करते होंगे तो आप फील करोगे कि एक स्ट्रेस आपके हैंड में आ रहा है इसका मतलब है व्हेन यू आर रिवॉल्विंग अ बॉल अराउंड अस तो आपने क्या देखा देयर शुड बी अ फोर्स देयर शुड बी अ फोर्स क्योंकि आपने देखा जैसे ही ब्रेक हुआ तो वो बाहर की तरफ फेंका गया इसका मतलब कोई ना कोई एक फोर्स है जो कि उस स्टोन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था दैट फोर्स इज द सेंट्रिपिटल फोर्स दैट फोर्स इज द सेंट्रिपिटल फोर्स ओके बच्चों और जिस फोर्स के साथ एक थ्रेड ब्रेक हुआ था तो वो आउटसाइड जो है क्या हो गया था थ्रो हो गया था दैट फोर्स इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बच्चों दो प्रकार की फोर्सेस होता है एक सेंट्रीपिटल एक होता है सेंट्रीफ्यूगल ठीक है जो फोर्स सेंटर की ओर अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज आर व्हाट सेंट्रिपिटल फोर्स यहां तक क्लियर है बच्चों सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर व्हेन अ बॉडी अंडर गोज द सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन पे मान के चलो वह क्या कर रहा है मूव कर रहा है ओके okay? मान के चलो ये कोई बॉल है जो ऐसे सर्कुलर मोशन पे वह चल रहा है बॉडी अंडर गोज द सर्कुलर मोशन इट एक्सपीरियंस अट टूवर्ड दुरसन और सर्कुलर मोशन और यू कैन से मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ दैट पर्सन और दैट ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स और यू कैन से अट्रैक्टिव फोर्स टर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल गॉटेड बच्चों सो दिस सेंटर सेकिंग वॉट अ फोर्स दिस सेंटर सेकिंग वॉट फोर्स एंड दिस फोर्स इज नोन्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स ओके सो बच्चों क्या देखोगे इस डायरेक्शन में जो एक फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में जो एक फोर्स लग रहा है बच्चों दैट फोर्स इज आर वॉट सेंट्रिपिटल फोर्स ये क्लियर है बच्चों सबको सो दिस इज आर सेंट्रिपीटर फोर्स सो यू कैन से दैट दिस इज द देंट्रिपीटर फोर्स क्योंकि बच्चों यहां पर क्या हो रहा है एक अर्थ जो है अर्थ सरफेस का दो सर्कल कह दो इस पे सर्कुलर मोशन हो रहा है यहां तक क्लियर है बच्चों गॉट इट सो नाउ यू कैन सी हियर दिस इज जीआईएफ बच्चों इस जीआईएफ से क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है सॉरी कि आप यहां पर देख रहे हो कि एक बॉल है जो एक सर्कुलर मोशन पे चल रहा है ठीक है बच्चों और यहां पर बच्चों यहां पर जी आई एफ रन नहीं हो पा रहा है नाउ यू कैन सी हियर कि एक फोर्स जो है सेंटर की ओर लग रहा है दैट सेंटर ये फोर्स जो है दैट इज द देंट्रिपिटल फोर्स ये क्या है बच्चों यही तो सेंट्रिपिटल फोर्स है क्लियर है इतना सबको बच्चों सो दिस इज आर सेंट्रिपिटल फोर्स क्लियर है ना यू कैन सी हीस्ट टॉपिक इज फ्री फॉल वट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बच्चों आप अपने डेली लाइफ में बहुत कुछ देखे हो क्या चीज मान के चलो कोई एक ट्री है उनमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं मान के तेज हवाएं चली ठीक है मान के चलो और वो क्या हुआ कि किसी वजह से वो एक ब्रांच टूट करके नीचे गिर गया या आप मान के चलो किसी टार से आप लेट सपोज हाइट एच था वहां से आप क्या कर रहे हो बॉल को जस्ट ड्रॉप कर रहे हो यू आर ड्रॉपिंग अ बॉल यू आर नॉट थ्रोइंग अ बॉल देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ड ड्रॉपिंग एंड थ्रोइंग इफ यू आर थ्रोइंग अ बॉल ना बच्चों दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग इनिशियल सम वेलोसिटी टू दैट ऑब्जेक्ट ये क्लियर है इफ यू आर सेइंग ना आई एम थ्रोइंग इफ यू आर थ्रोइंग दैट मींस कि इस ऑब्जेक्ट में कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो नाउ इफ यू आर ड्रॉपिंग जस्ट यू आर ड्रॉपिंग एट दिस टाइम यू आर होल्ड यू आर होल्डिंग दिस ऑब्जेक्ट नाउ लेट अस सपोज आप क्या कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं दैट मींस द इन केस ऑफ ड्रॉपिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो सो दैट दैट मींस मींस इफ यू आर सेइंग अ फ्री फॉल व्हाट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो गॉट इट सो अंडर द इनफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो ऑब्जेक्ट सरफेस की तरफ आ जाते हैं फ्रॉम एनी हाइट लेटसर एक टावर हम सपोज करते हैं बच्चों यहां से अर्थ ग्राउंड सरफेस से लेटस सपोज ये हाइट एच हाइट का है अर्थ सरफेस से गॉटेड बच्चों अब यहां से मान के चलो आप क्या करते हैं एक बॉल को यहां से आप फ्रीली जो है यहां से ड्रॉप करते हो इट बच्चों यहां एक बॉल है ओके सो यू कैन से वेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द हाइट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने आई ऑलरेडी डिस्कस ना हियर जो क्या हो रहा है बॉल को जो फ्री फॉल हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज नोन एज फ्री फॉल यहां तक क्लियर है बच्चों फ्री फॉल क्या होता है ओके सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ यू कैन सी हियर वेन एंड ऑब्जैक्ट इज अंडर फ्री फॉल कंडीशन क्या होता है बच्चों वेन एंड ऑब्जेक्ट इज अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल सो दैट ऑब्जैक्ट ज सम एसरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट ऑब्जेक्ट हैज सम्यू टू द ग्रेविटी एंड इज कॉन्स्टेंट दैट इज जी इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क् आपको कहा था ना फ्री फॉल का कंडीशन मतलब क्या होता है कि आप एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हो यू आर नॉट अ थ्रोइंग तो वो क्या होता है नीचे किस कंडीशन में आता है बिकॉज एक अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है बच्चों ठीक है और वो ग्रेविटी एसोलेशन का वैल्यू क्या होता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्शन में काम करता है so, g, जो तो ये बच्चों हमारे पास क्या था? होता है कॉन्स्टेंट होता है अगेन हियर जी आई एफ इज नॉट रनिंग सो यू कैन सी ओवर यदि ये किसी चीज को ड्रॉप कर रहा है फ्री फॉल हो रहा है तो वो क्या होता है नीचे अर्थ सरफेस की तरफ जाता है बिकॉज क्या होता है यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है ठीक है बच्चों यहां तक क्लियर है